धनबाद जिले के सुदूर इलाके में पेयजल समस्या को दूर करने को लेकर सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पेयजल योजना चलाया गया था। करोड़ों की योजना में गोविंदपुर से लेकर निरसा तक सैकड़ों जलमीनार जलकूप बनाने में 2 करोड़ के घोटाले हुए, जिसमें 11 इंजीनियर और 18 ठेकेदार के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनके नाम है श्री वंश नारायण राम, कनीय अभियंता, अक्षय लाल प्रसाद सहायक अभियंता, सहेंद्र रजक सहायक अभियंता, अनिल कुमार सिन्हा कनीय अभियंता, संजय कुमार झा कार्यपालक अभियंता, सुनील कुमार कनीय अभियंता, प्रमोद कुमार कार्यपालक अभियंता, देवेंद्र नाथ महतो कनीय अभियंता, जेम्स विलियम टोपनो प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, सुमेश्वर मिश्रा कनीय अभियंता, दया शंकर प्रसाद सहायक अभियंता, संवेदक विनोद कुमार मेसर्स विनोद इंटरप्राइजेस, संवेदक मेसर्स शिव पूजन प्रसाद, संवेदक मेसर्स चंद्रशेखर झा, संवेदक सियाराम राय मेसर्स सियाराम भैया, संवेदक मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, संवेदक तालेबर महतो मेसर्स तालेबर महतो, संवेदक मेसर्स नीलम सिन्हा, संवेदक अभय सिन्हा, संवेदक जय माता दी बोरवेल रेखा सिन्हा, संवेदक मेसर्स अरिहंत कंस्ट्रक्शन धनबाद, संवेदक नरेंद्र कुमार चौधरी धनबाद, संवेदक संजय कुमार शर्मा, संवेदक मेसर्स कल्याणेश्वरी कंस्ट्रक्शन मैप, संवेदक मेसर्स सूर्या कंस्ट्रक्शन धनबाद, संवेदक उत्पल दास पिंडाहाट धनबाद, संवेदक मेसर्स विनोद कुमार लाल दिलीप कुमार राय धनबाद, संवेदक मुकेश कुमार सिंह झारूडी धनबाद, संवेदक मनोज कुमार सिंह झारूडी धनबाद। बता दें कि गोविंदपुर और निरसा प्रखंड में चापाकल के पास चौताल सुखता और जलकूप का निर्माण कराया जाना था। निरसा प्रखंड में जो भी चापाकल के समीप चौताल और सुखता का निर्माण करना था उसमें कई जगह पर बिना निर्माण किए ही भुगतान किया गया है। जांच में पेयजल और स्वच्छता मंडल मैथन के कई अभियंता और संवेदक दोषी पाए गए हैं। इस घोटाले में मंत्रिमंडल के द्वारा भी जांच की गई थी, जिसके बाद कुल 29 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें एक लेखा पदाधिकारी भी शामिल है। वर्ष 2011 से लेकर 2014 तक करोड़ों की राशि जो सरकार ने भेजी थी, इसका बंदरबांट 29 लोगों के बीच किया गया। 30-40% काम करने के बाद बाकी राशि को सप्लाई करने वाले से लेकर अधिकारियों द्वारा लूट कर खा लिया गया और भुगतान पूरी राशि कर दी गई। एसीबी की जांच में ये घोटाला करीब 2 करोड़ का बताया गया है। बहरहाल जिस तरह से ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर पैसों का बंदरबांट किए हैं, ऐसे में दोषियों के ऊपर जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए एसीबी की कार्रवाई जारी है। वहीं और भी कई नाम जुड़ने के आसार हैं।